हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश सिंगल, रिसर्च एनालिस्ट, और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टैक्स फॉर वेल्थ। आज हम बात करेंगे स्टॉक्स फॉर बिगनर्स, यानी कि जो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अभी तक उन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया है, शुरुआत करना चाहते हैं, तो उनको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमें देखनी चाहिए, कौन सी कंपनी हमें देखनी चाहिए, उनके क्या वैल्यूएशन होते हैं, कैसे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, है क्या इंडिया में स्टॉक मार्केट में एडवाइस देने के लिए बहुत कम लोग हैं जो एक अच्छी एडवाइस आपको दे पाएँ, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है कि इंडिया में टोटल जो इन्वेस्टमेंट होती है, यानी कि अगर आप एफडी करें या म्यूचुअल फंड लें या एलआईसी लें या स्टॉक्स लें, तो स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट है आज की डेट में इंडिया में टोटल इन्वेस्टमेंट का केवल 5 या 10% है। यही रेशियो यूएस में 50% है। तो आप समझ सकते हैं कि अभी स्टॉक मार्केट में कितनी ज़्यादा गुंजाइश है एक कॉमन मैन के इन्वेस्ट करने की। और इसीलिए आने वाले अगर आप 10 साल या 20 साल के लिए अगर आप चाहते हैं कि स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें, तो ये बहुत सही समय है, आपको स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब इसके लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, जिनसे बहुत ही, कोई टेक्निकल नहीं है, बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको बता रहा हूं, जिससे कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं स्टॉक्स में और अपनी कैपिटल जो है वो सिक्योर कर सकते हैं और उस पर अच्छे रिटर्न्स ले सकते हैं, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ ए लॉन्ग टाइम। ठीक है, तो इसके लिए बड़ा आसान सा तरीका है। देखिए, आप अपनी दिनचर्या को देखें, आप सुबह शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं। अब पेस्ट करते हैं, कौन से पेस्ट करते हैं, कोलगेट, पेप्सोडेंट, डाबर, ठीक है, कितने सालों से करते आ रहे हैं, आपके पेरेंट्स भी करते आ रहे होंगे कितने सालों से और आगे भी करते रहेंगे, तो आपको समझ में आ गया कि भाई ये कोलगेट, ये डाबर, ये पेप्सोडेंट, ये कंपनियाँ हैं जिनमें आप अगर इन्वेस्ट करेंगे तो ऑब्वियसली ये पिछले कितने सालों से चलती आ रही हैं, आगे भी कितने सालों तक चलती रहेंगी, कहीं कोई डाउट ही नहीं है इनमें, ठीक है। उसके बाद फिर आप फ्रेश होते हैं और नहाते हैं, और उसके बाद कौन से सोप्स यूज करते हैं, लक्स, कितने सालों से चल रहे हैं आप, लक्स कितने सालों से आप देखते हुए आ रहे हैं, है ना। उसके बाद आप कॉफ़ी पीते हैं, नेस्कैफे, नेस्ले, ठीक है। उसके बाद आप ऑफिस जाते हैं, ठीक है, गाड़ी से जा रहे हैं, टू व्हीलर से जा रहे हैं, गाड़ी में आपके पास चॉइस है मारुति, हुंडई, ठीक है, लेकिन आज की डेट में इंडिया में केवल मारुति लिस्टेड है, तो आपके पास चॉइस है मारुति, कितने सालों से आप देखते आ रहे हैं, कितने अच्छे रिटर्न दिए मारुति ने। टू व्हीलर्स में बजाज, हीरो होंडा, दो लिस्टेड कंपनी है, देख सकते हैं आप। उसके बाद आप अपने घर में कोई पेंट कराते हैं, ठीक है, एशियन पेंट, बर्जर पेंट, दो तीन कंपनियां हैं, आप अच्छी अच्छी मार्केट लीडर्स को आप चुनिए और मार्केट लीडर्स में पैसे लगाइए। उनमें क्या होता क्या है कि ये मार्केट लीडर जो होते हैं ना, ये थोड़े सुस्त होते हैं, क्योंकि आरओई थोड़ा सा कम होता है, लेकिन आपका पैसा सिक्योर होता है। ये आपको क्या होगा, एक साल, दो साल, तीन साल नहीं चलेंगे, लेकिन जब चलेंगे तो आप समझ लीजिए कि जो पिछले 3, 4, 5 साल का सारा रिटर्न आपको 1-2 साल में दे देंगे। तो इस तरीके से हम लोग, आप अपनी अगर डेली लाइफ ये देखेंगे ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें बड़ी आसानी से समझ आएंगे, हाँ भाई ये स्टॉक हैं और इनको हमें ऐसे इन्वेस्ट करना है। उसके बाद हमें दूसरी चीज़, जो सबसे बड़ी चीज़ जो ध्यान में रखनी होती है, वो है मैनेजमेंट। कहते हैं कि एक अच्छा बिजनेस हो और उसका मैनेजमेंट ख़राब हो तो वो बिज़नेस सक्सेसफुल नहीं हो सकता, लेकिन बिजनेस मॉडल ख़राब हो तो अच्छा मैनेजमेंट उस बिजनेस मॉडल को भी चेंज करके उसको सक्सेसफुल बना सकता है। तो सबसे पहले हमें देखना होगा मैनेजमेंट। जैसे आप कितने सालों से देख रहे हैं इन्फोसिस, ठीक है, इतना अच्छा मैनेजमेंट है, क्लीन मैनेजमेंट है, टाटा, महिंद्रा, कई सारे ग्रुप हैं, आप देख सकते हैं इनके मैनेजमेंट पर कभी कोई दाग नहीं लगा है। तो मैनेजमेंट की क्रेडिबिलिटी देखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हमें देखना होगा कि कंपनी के वैल्यूएशन, अब होता क्या है कि
वैल्यूएशन देखने के लिए टेक्निकल टर्म होता है पी, यानी प्राइस अर्निंग रेशियो, ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो देखी जाती है प्राइस अर्निंग रेशियो। लेकिन होता क्या है कि जैसे कंपनी की वैल्यूएशन अच्छी हो जाती है तो आने वाले टाइम में मार्केट जो है उसको अच्छी वैल्यूएशन देता भी है। कई ऐसी सारी कंपनीज होती हैं जो कि नॉर्मली हमें 10-20 के पी की जो कंपनी होती हैं वो लेनी चाहिए। लेकिन होता क्या है, अगर आप कोई भी कंपनी की वैल्यूएशन देखेंगे, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बैंक हैं, अभी जैसे आप अपने डेली रूटीन में आप जाते हैं, बैंक जाते हैं, SBI, HDFC, एक्सिस बैंक, ICICI, बैंक ऑफ बड़ौदा, कई सारे बैंकों में जाते होंगे। अब आप अपना एक्सपीरियंस खुद से देख लीजिए कि आपका एक्सपीरियंस कौन से बैंक में जाएंगे तो वहाँ एक्सपीरियंस आपका अच्छा रहा, HDFC में गए अच्छा रहा, या SBI में गए अच्छा रहा, या बैंक ऑफ बड़ौदा में गए तो अच्छा रहा। तो आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको पता चल जाएगा, हाँ इस बैंक में मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा तो स्टॉक में भी आपका एक्सपीरियंस उस बैंक के साथ अच्छा ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। उसके बाद वैल्यूएशन की बात अभी हम कर रहे हैं, तो वैल्यूएशन में लिए पी। अब पी में मैंने आपको बताया कि 10-20 पी तक की कंपनी हमें परचेज करनी चाहिए। लेकिन जो अच्छी कंपनी होती है ना, उनकी वैल्यूएशन मार्केट भी फिर उनकी वैल्यूएशन रिच करता है, तो वो आपको 10-20 पी पे नहीं मिलेंगी, वो आपको 40-50 के पी पे भी मिलेंगी। लेकिन आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, क्योंकि होता क्या है, कभी न कभी मार्केट में करेक्शन आता ही आता है। तो जब भी करेक्शन आएगा उस कंपनी में इन्वेस्ट करिए, वेट करिए सही समय का, पेशेंस इज द की टू सक्सेस इन द मार्केट, ठीक है। तो आपको पेशेंस रखना होगा, और ये आप 2-3-4-5 साल के लिए खरीदेंगे तब आपको इनमें कंपनीज में अच्छे रिटर्न आपको दिखाई देंगे, और आपकी कैपिटल सिक्योर रहेगी, लॉस होने के चांसेस बहुत कम है, बहुत मिनिमम है। और ये एक बेसिक सी चीज़ें मैंने आपको आज बताई हैं जो कि एक बिगनर को स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए चाहिए। बाकी आपको अगर किसी तरह की कोई भी समस्या है स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट को लेके, तो आप हमारे चैनल टैक्स फॉर वेल्थ को मेल कर सकते हैं, आप हमारे इसमें कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, जैसे भी चाहें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।